हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी इंडियन इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो में आपको लेटेस्ट डाटा विद मैक्सिमम एक्यूरेसी प्रोवाइड करने की, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसको अच्छे से समझें। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो विल स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एज वी ऑल नो, इंडिया इज़ अ फास्ट ग्रोइंग डेवलपिंग इकोनॉमी। इट इज़ द वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय नॉमिनल जीडीपी, और अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें तो इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। इट हैज़ सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड एंड हैज़ अ गुड कंज्यूमर मार्केट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। नाउ विल स्टडी करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फर्स्ट फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज़ हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। जैसे अभी हमने बात करी कि पॉपुलेशन के टर्म्स में हम बात करें तो इंडिया रैंक्स नंबर 2 इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज बाय पॉपुलेशन। The pressure of population in country is very heavy because of very high level of birth rate coupled with the falling level of death rates. हमारी जो country की population है that is equivalent to 17.7% of the total world population. The population of India is estimated at 138 crores at mid-year according to UN data. अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो इट इज़ 464 पर किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो इट इज़ अराउंड 71 ईयर्स फीमेल्स में, इट इज़ अराउंड 70 ईयर्स फीमेल्स में, इट इज़ अराउंड 71 ईयर्स एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन मेल्स इज़ अराउंड 69 ईयर्स। सो इंडिया में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत हाई रेट से है और उसी के कारण कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इंडियन इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है। सेकंड जो करैक्टरिस्टिक्स है इंडियन इकोनॉमी की, दैट इज़ लो पर कैपिटा इनकम। किसी भी कंट्री की जो प्रॉस्पेरिटी है, ग्रोथ है, उसके लिए पर कैपिटा इनकम इज़ अ क्रूड इंडिकेटर। बट हमारी जो कंट्री के लोग हैं उनकी पर कैपिटा इनकम मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं उनसे कम है। अगर हम 2019 और 20 में बात करें तो 20 की बात करें तो इंडिया की जो पर कैपिटा, इंडियन रेजिडेंट्स की जो पर कैपिटा मंथली इनकम है दैट इज़ ₹11,254 ओनली। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स इज़ एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर और प्राइमरी सेक्टर। एज वी ऑल नो, एवरी इकोनॉमी इज़ कैटेगराइज इन थ्री सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। हमारी जो इकोनॉमी है, जो प्राइमरी सेक्टर है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चरल सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर इज़ इंडस्ट्री सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर इज़ सर्विस सेक्टर। हमारी जो इकोनॉमी है इंडियन इकोनॉमी, उसमें जो डिपेंडेंस है दैट इज़ एक्सेसिवली ऑन एग्रीकल्चर, दस इट इज़ प्राइमरी प्रोड्यूसिंग। हमारी जो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है उसका बहुत हाई प्रपोर्शन एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड है। ऑलमोस्ट 60% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वर्क्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, contributing about 18% to India's GDP. आप देख सकते हैं, आप डाटा देखिए, टोटल वर्किंग पॉपुलेशन का 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही है और कंट्रीब्यूशन कितना है जीडीपी में, 18%। तो हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे और प्राइमरी सेक्टर पे। नेक्स्ट
जो फीचर है इंडियन इकोनॉमी का, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट. जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि हमारी जो इकोनॉमी है उसका पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जो है उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं है, और इसके कारण क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी इकोनॉमी में है. और उसके अलावा हम बात करें तो हमारी इकोनॉमी में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी है इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि और इसका रीज़न क्या है, जो पॉपुलेशन है वो लैंड पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और रूरल एरियाज़ में अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशंस अवेलेबल नहीं है. किसी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब, अगर किसी माना कोई लैंड का छोटा सा कोई पीस है उस पर अगर 10 लोग काम करें तो प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी, पर उस पीस ऑफ लैंड पे 20 लोग काम कर रहे हैं तो जो 10 लोग हैं जो एक्स्ट्रा वहाँ पे काम कर रहे हैं वो उस उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट है दैट इज़ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. कहने को वो काम पे लगे हुए हैं पर एक्चुअली उनके पास काम नहीं है. इवन अर्बन एरियाज़ की हम बात करें तो प्रॉब्लम ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो चुकी है. अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया एवरेज 9.21% फ्रॉम 2018 अंटिल 2020, रीचिंग एन ऑल टाइम हाई ऑफ 23.5% इन अप्रैल 2020. तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया में वो बढ़ती ही जा रही है. नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज़ लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है दैट इज़ सफरिंग फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस. जो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन हम यूज़ कर रहे हैं वो अब्सोल्यूट होती हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हम यूज़ कर रहे हों चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम यूज़ कर रहे हों. जो सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही लिमिटेड स्केल पे प्रोडक्शन यूनिट प्रोडक्टिव यूनिट्स में यूज़ की जा रही हैं, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं. और सबसे बड़ी बात यह है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में अडॉप्ट कर पाना बहुत मुश्किल है. उसका कारण यह है कि हमारी जो लेबर फोर्स है वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है, लिटरेट नहीं है और स्किल्ड नहीं है. तो जब हमारा जो लेबर फोर्स है उसका मैक्सिमम जो प्रपोर्शन है दैट इज़ अनट्रेंड, इलिटरेट एंड अनस्किल्ड, तो उसके कारण जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ कर पाना पॉसिबल नहीं होता है. देन नेक्स्ट फीचर इज़ लो पुअर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. हमारी कंट्री में द अमाउंट ऑफ कैपिटल पर हेड एंड द प्रेजेंट रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज़ वेरी लो. जो उसका जो जैसे कंजम्पशन ऑफ क्रूड स्टील एंड एनर्जी आर द टू इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ लो कैपिटल पर हेड इन इंडिया. द लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया इज़ ड्यू टू वीकनेस ऑफ द इंड्यूसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ऑल्सो ड्यू टू लो प्रोपेंसिटी एंड कैपेसिटी टू सेव. कैपिटल फॉर्मेशन हमारी कंट्री में इसलिए कम है क्योंकि इन्वेस्टमेंट लोग नहीं करना चाहते, लोगों जो हमारे यहाँ प्रोपेंसिटी टू सेव है या कैपेसिटी टू सेव है वो कम है. प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारी यहाँ ज़्यादा है, उसके कारण हमारी सेविंग्स कम है और सेविंग्स कम होने के कारण इन्वेस्टमेंट कम है, जिसके कारण कैपिटल फॉर्मेशन का जो रेट है वो कम है. अगर हम फिक्स कैपिटल ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें तो इट हैज़ डिक्रीज टू 5,991.92 INR बिलियंस इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2020 फ्रॉम 10,943.23 INR बिलियन इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020. जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है इंडिया में वो अगर हम फर्स्ट थ्री मंथ्स की बात करें 2020 के, तो सेकंड क्वार्टर में वो कम है
कम हो गया है. देन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स. हमारी कंट्री में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हैं हमारी इकोनॉमी में वो बहुत अच्छे से डेवलप्ड नहीं है, वो बहुत अच्छे से अवेलेबल नहीं है. और इसीलिए हमारी इकोनॉमी के जो टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड डेवलप नहीं कर पाए क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ प्रॉपर हमारी इकोनॉमी में प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है. देन नेक्स्ट फीचर इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. हमारी कंट्री के कई पार्ट्स में वेरियस पार्ट्स में कई तरह के नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड वाटर मिनरल्स फॉरेस्ट एंड पावर रिसोर्सेज आर अवेलेबल. पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण हम इन अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं. जैसे कई रीजंस ऐसे हैं जिनको हम एक्सेसिव नहीं कर पाते हैं. हमारी जो टेक्निक्स हैं वो बहुत पुरानी हैं, ऑब्सोलेट हैं. कैपिटल हमारे पास की कमी है. जो मार्केट है वो हमारे बहुत छोटे हैं और इनके कारण ये जो रिसोर्सेज हैं दे रिमेन अंडर यूटिलाइज्ड. कई मतलब हमारी इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो ह्यूज क्वांटिटी ऑफ मिनरल एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज स्टिल रिमेन्स लार्जली अन. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडियन इकोनॉमी की, इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. व्हाइल इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज. इनकम और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हैं हमारी इकोनॉमी में. द रिचर्स आर गेटिंग रिचर एट अ मच फास्टर पेस वाइल द पुअर आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू अर्न मिनिमम वेज एंड एक्सेस क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज. जो रिच पीपल हैं हमारी कंट्री के हमारी इकोनॉमी के वो और रिच होते जा रहे हैं जबकि कुछ हमारा जो इकोनॉमी का पुअर सेक्शन है वो अभी भी मिनिमम वेजेस अर्न करने के लिए क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विसेज पाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है. हमारी इकोनॉमी में टॉप 10% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन होल्ड्स 77% ऑफ द टोटल नेशनल वेल्थ. 10% लोगों के पास टोटल नेशनल वेल्थ का 77% है. 67 मिलियन इंडियंस हु कंप्राइज द पुअरेस्ट हाफ द पॉपुलेशन सो ओनली अ 1% इंक्रीज इन देयर वेल्थ. 67 मिलियन इंडियंस जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका आधा है, पुअरेस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है, उनकी वेल्थ में सिर्फ 1% इंक्रीज हुआ है. There are 119 billionaires in India between 2018 and 2022. India is estimated to produce 70 new millionaires every day. So richers are getting richer day by day, year by year. और अगर हम ये सोचें कि एक जो minimum wage worker है इंडिया में रूरल इंडिया में वो एक टॉप पेड एग्जीक्यूटिव के बराबर अर्न करे एक साल में तो उसके लिए इट विल टेक 941 ईयर्स. उसके लिए उसे 941 साल लगेंगे तब वो एक लीडिंग गारमेंट कंपनी के टॉप पेड एग्जीक्यूटिव के बराबर अर्न कर पाएगा. इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हमारी इकोनॉमी में. नेक्स्ट जो फीचर है इंडियन इकोनॉमी का दैट इज़ लो लेवल ऑफ लिविंग. नियरली 25 to 40% ऑफ द पॉपुलेशन
in India suffers from malnutrition. जो low calorie intake in Indian diet is another characteristic of low level of living. The present calorie level in India is 2200 only, just above the minimum calorie level required for sustaining life. हमारी इंडिया का एक बहुत छोटा परसेंटेज है जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर जिसके लिए अवेलेबल है और जो प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, मतलब एक लार्ज परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, पीने का पानी भी उनको हेल्दी मतलब पीने का पानी साफ पीने का पानी भी उनके पास नहीं है और प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटीज़ उनके पास नहीं है. तो इंडियंस हमारी जो लेवल ऑफ लिविंग है दैट इज़ वेरी लो. नेक्स्ट जो फीचर है इंडियन इकोनॉमी का दैट इज़ पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल. हमारी जो कंट्री है दैट इज़ सफरिंग फ्रॉम इट्स पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल और इसका रीज़न है मास इलिटरेसी. हमारे यहाँ इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है और उसके कारण ही जो प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारी कंट्री का हमारी इकोनॉमी का दैट इज़ वेरी स्लो. अगर हम ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की बात करें तो इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड एट द 116th पोजीशन इन द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक्स एनुअल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, जिसमें 174 कंट्रीज़ का हेल्थ एंड एजुकेशन डाटा इंक्लूडेड रहता है और ये वर्ल्ड पॉपुलेशन का 98% कवर करता है. तो मार्च 2020 में इंडिया की जो पोजीशन है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में वो 116वीं है और 174 देशों में 116वीं पोजीशन पे हम हैं. तो हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है उसकी जो क्वालिटी है दैट इज़ वेरी पुअर और इसका रीज़न है इलिटरेसी. अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर हम बात करें जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो रिलीज़ की जाती है तो 189 कंट्रीज़ में से हमारी जो पोजीशन है वो 129th है. इंडिया रैंक्स 129th आउट ऑफ 189 कंट्रीज ऑफ द ऑन द 2019 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज बाय द UNDP. तो अगर हम इस वीडियो के जितने भी फीचर्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े समझे तो उनको अगर हम समराइज करें तो अभी हमें बहुत आगे बढ़ना ज़रूरी है और आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लिटरेसी रेट हमारी कंट्री में बढ़े, हमारी इकोनॉमी में बढ़े. अगर हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाकी कंट्रीज़ के जैसे फास्ट स्पीड पे हो, फास्टर रेट पे हो, तो उसके लिए ह्यूमन कैपिटल पे काम करना बहुत ज़रूरी है, लिटरेसी रेट को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है. टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स की हमें बहुत ज़रूरत है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम यूज़ करें ताकि इकोनॉमी के हर सेक्टर में हम ग्रो कर सकें. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. Please like, share and subscribe my channel.